हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.1। 5.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी गई है, वो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व फॉलोइंग विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। जितने भी नंबर्स हमें दिए गए हैं उसको हमने सॉल्व करना है, उसको एक्चुअली मतलब इसको जैसे जैसे दिया गया ऐसे आपने कैलकुलेट करके निकालना, बिना आप इसको कैसे कर सकते हो वो हमने देखना है। ठीक है, तो जैसे 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, पहले हम 8 का स्क्वायर करेंगे फिर 7 का स्क्वायर करेंगे फिर उसको माइनस करेंगे। इस तरीके से हमने कैलकुलेट नहीं करना, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पर देखो ये वाला ए यहाँ पर दोनों में स्क्वायर है, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगती है, तो यहाँ पर लगती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली है। तो इसको फॉर्मूला क्या होता है, इसके क्या होता है a प्लस बी, इसको ब्रैकेट में रखना a माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है इसके, तो इसको भी हम ऐसे रख सकते हैं, ये a है ये b है। तो यहां पर देखो 8 प्लस 7, एक वाले को इसको माइनस में 8 माइनस 7, 8 और 7 कितने होंगे 15, यहां पर ये ब्रैकेट में इट मीन्स मल्टीप्लाई है, 8 में से 7 माइनस किया तो 15, तो इसका आंसर क्या है 15। ठीक है, यहाँ पर हम इसको पूरे ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं जहां आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हो, क्योंकि करेंगे क्योंकि जब भी आप इसको करोगे इस आइडेंटिटी के साथ करोगे तो लास्ट में हमारा 1 ही आना है, या 13 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इस तरह 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो आप चाहे आप सीधा इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, इन दोनों को प्लस करके भी आप इसका पता लगा सकते हो। तो इसका कैसे करें, 13 और 12 में कैसे करेंगे, तो 13 और 12 को अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 25, तो इसका आंसर है 25। ठीक है, आपको पूरा अगर ऐसे करना है तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट करो इसको दोनों को प्लस कर दो, वो आंसर आ गया। ठीक है हमारा, तो 25 नेक्स्ट क्या है, 25 प्लस 24, तो 25 और 24 को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 49, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है 80 प्लस में 79, 80 और 79 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 159। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 25 को दूसरी आइडेंटिटी हमारी यही थी कि a माइनस बी, a से b माइनस करने, तो 8 में से 7 माइनस किया 1 आना था, तो 1 सो अगर 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15 आना था, यहां पर भी 13 को 12 से माइनस किया तो 1 आना था, 25 आना था। ठीक है, यहां पर भी 1 आना है, इसलिए हमने इतना ही रख लिया है। ठीक है, एक्स्ट्रा फिफ्थ पार्ट में भी क्या करूंगी, इसको प्लस कर दूंगी 110 प्लस 109, तो 110 में 109 प्लस किया तो 1 गया 219, ये है इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें हमने कोई भी इसको कैलकुलेट नहीं किया, इसको पूरा स्क्वायर करके नहीं देखा, हमने डायरेक्ट इसका आंसर देखकर ही बता दिया, इन दोनों को प्लस करके डायरेक्ट आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग टर्म्स। नीचे हमें जो भी पैटर्न दिया गया उसमें हमने मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। यहाँ पर ये वाला दिया गया, यहाँ पर देखो डॉट डॉट लगे, इट मीन्स यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर देखो ये वन, आप यहाँ पर देखो सीरीज जा रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एंड यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे हो गया। नेक्स्ट देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इसके बाद क्या आएगा 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यूज कैसे आती है, 2 यहाँ पर तो हमें पता चल गया ये पूरी लाइन काउंट की तरह लाइन थी। ठीक है, यहाँ पर 2, 3, 6, 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक इससे पहले वाली 13 के पहले क्या आता है 12, तो 12 का स्क्वायर। आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, जहां आप कैसे सोच सकते हो, जैसे यहाँ 2 का क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 1 2 2 3 6 3 4 12, तो यहाँ क्या आएगा 4 5 20, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी आती है, इससे एक आगे आती है, ठीक है 12 का स्क्वायर, यहाँ पर 13 का स्क्वायर आ गया, फिर 20 का स्क्वायर है, फिर 21 का स्क्वायर, यहाँ पर 30 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा 31 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो इन दोनों को प्रोडक्ट करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 6 7 42 का स्क्वायर, 42 के बाद नेक्स्ट टर्म्स कौन सी आएगी, उससे एक ज्यादा आएगी, 42 के बाद क्या होता है 43, तो 43 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट होता है, सेकेंड करते हैं। नेक्स्ट आप सेकेंड में देखो 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर, 2 2 4 आ गया, फिर 3 का स्क्वायर, 3 3 9 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो 1 2 3, 3 तक सीरियल काउंटिंग जा रही है, उसके बाद बैक काउंटिंग शुरू हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके देखो 1 2 3 4 तक सीरियल में जा रही है, तो बाद में बैक काउंटिंग, इट मीन्स 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर,
और फोर फोर जरा होता है हमारे पास 16। नेक्स्ट देखो काउंटिंग सीधी कहां तक जा रही है, 1 2 3 4 5, तो 5 तक सीरियल ऑर्डर में जा रही है, तो यहां पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 5 5 25। यहां पर हमारा ये वाला पैटर्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, थर्ड पार्ट में देखो 21 है, फिर 201 है, फिर 2001 है। यहाँ पर देखो एक पहले 21 था, उसके बीच में एक जीरो लगा दी, फिर दो जीरो लगा दी, नेक्स्ट कितनी लगेंगी, 3 जीरो लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 3 0, फिर 1, फिर स्केयर आ जाएगा। ठीक है, मैं अब यहाँ पर हमारे पास 4 जीरो नहीं है, इसलिए आपने ये पैटर्न भी यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखो 2 जीरो थी, तो यहाँ पर 4 के बाद 2 डिजिट छोड़ 2 जीरो लगाई हुई है, तो यहाँ पर देखो कितने 4 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 3 जीरो है, इट मीन्स हमने यहाँ पर 3 का लगा देना। ठीक है, बॉक्स के बाहर मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर पूरा नहीं आना था। तो ठीक है, तो आपने यहाँ पर पहले ये वाला आपने ऐसे भी एक बार चेक कर लेना है, आपने इस तरीके से भी चेक कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्योंकि अगर हम सीरियल ऑर्डर में नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 नहीं है, इसलिए आपने यहाँ पर भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी जीरो है, 1 2 3 3 जीरो के बाद यहाँ पर 4 के बाद 3 जीरो है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 जीरो लगा दी। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर इस पैटर्न को ध्यान से देखो। ठीक है, 3 जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो 4 के बाद देखते हैं कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, तो 4 के बाद 5 जीरो लगा दी, फिर 4 लगा दिया, फिर कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, फिर 1 1 लगाया, इट मीन्स यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर पहले जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो है, यहाँ पर आंसर लिखते हैं, तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 4 आएगा ना पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो 4, तो यहाँ पर कितनी जीरो लगानी हमने, 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद हमने लगाना है, लिखना है 4, और उसके बाद फिर 6 जीरो लिखनी है, फिर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में हमने लिखना है 1। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर है इस वाले बॉक्स में आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने ये जीरो काउंट कर लेनी है, ये 4 लिख देना है, उसमें 4 जीरो, उसमें 6 जीरो, फिर 4, फिर 6 जीरो, और फिर 1 लिख देना है, ये वाला इस पार्ट का आंसर है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इज यूजिंग द पैटर्न, जैसे हमने पीछे पैटर्न किया वैसे इसी तरीके से 1 का स्केयर 1 आ गया, फिर 11 का स्केयर 121, ठीक है, फिर 3 का 111 का स्केयर यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो इसमें एक पैटर्न कैसे जा रहा है, यहाँ पर देखो अगर एक यहाँ पर तो रहने दो, यहां से देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 हमारे पास 1 है ना, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 सीरियल ऑर्डर में जा रहा है, उसके बाद बैक काउंटिंग शुरू है। यहाँ पर देखो 1 कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर सीरियल काउंटिंग कितनी जा रही है, 1 2 3 4, 4 के बाद बैक काउंटिंग शुरू होगी, तो इसी तरह हमने इस 1 को भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हमारे पास है 7 तक। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर यहाँ लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक हमने पूरी सीरियल काउंटिंग लिख दी, उसके बाद बैक काउंटिंग शुरू करनी है, तो 7 के बाद क्या होता है, 6 5 4 3 2 1, यहाँ पर इसका आंसर ये वाला है। क्लियर, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैविंग 5 एट 1 डिजिट प्लेस, नीचे जो भी नंबर दिए गए उसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है, जिसमें क्या है 5 वंस डिजिट, उसका क्या है मतलब साइड पे राइट साइड पे क्या है उसके 5 आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वंस कौन सा होता है, 1 10s, आपको पता है ना वंस जो राइट साइड पे पहला नंबर होता है वो वंस होता है, तो सभी के डिजिट क्या है, सभी नंबर के क्या है 5 वंस डिजिट है, तो जब भी वंस डिजिट आता है तो उसको हमने स्क्वायर कैसे करना है, एक तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डबल करना, 45 को 45 से मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, मगर 5 डिजिट में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसमें कैसे कर सकते हो, यहाँ देखो 45 है तो यहाँ पर लिखो 4, और लास्ट में यहाँ थोड़ा सा गैप, यहाँ 4 मल्टीप्लाई लिख दो, यहाँ पर गैप डालकर यहाँ पर लिख दो 5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 यानी कि इन दोनों को डिवाइड कर दो, एक्सपेंड कर दो, ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 का स्क्वायर कर दिया, और बीच में क्या आएगा, यहाँ पर जो भी 5 के नेक्स्ट वर्ड नंबर होगा, 5 के नेक्स्ट को सॉरी 4 के नेक्स्ट कौन सा नंबर होता है, तो 5 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, जो भी नंबर फर्स्ट में है तो उसका हमने नेक्स्ट नंबर लिखना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 5 का हमने स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई में 5 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस में 5 का स्क्वायर कितना है, 5 5 25, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में 5 को अगर 100 से मल्टीप्लाई तो 500 आ गया, प्लस में 25, 5 4 20, तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगी, तो 2000 आ गया, प्लस में 25, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये मतलब बनता है 20 और 25, तो 2025 इसका आंसर है।
ठीक है, हमने इसको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं किया कि 45 को 45 से किया, मगर इसका फॉर्मूला यूज करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। सेम एज इट इज हमने यहां पर करना है, पहले लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई में, 7 के बाद वाला 7 लिख दिया, यहां पर लिख देते प्लस 1 डालकर यहां पर 5 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक 7 यहां पर आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया, और 7 के बाद रिजल्ट कौन सा होता है, 8, 8 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, 7 मल्टीप्लाई में 8, 8 को 100 से किया तो 800 आ गया, प्लस 2 हाई 5 सर 25, 7 जर होता है हमारे पास 56, तो 5600 प्लस में 25, इनको अगर प्लस करते हैं तो 5625 इसका आंसर है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में पहले लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई में, यहाँ पर गैप डालकर लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 9 के आफ्टर क्या होता है 10, 10 को मल्टीप्लाई करना हमने 100 से, 100 से, तो 9 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ जाएगा 1000 प्लस 5 5 25, 9 को 1000 से किया तो 9 1 9, तो यहाँ पर 0 की 0 आ जाएगी, 9000 आ गया, 5 आ गया, यहाँ पर इसको अगर प्लस कर दे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 9025 इसका आंसर। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पार्ट है 125, तो इसमें हमने पहला डिजिट ये वाला 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई में नेक्स्ट लास्ट में लिख देना है 5 का स्क्वायर, और बीच में क्या आएगा, 12 के आफ्टर क्या होता है 13 मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 मल्टीप्लाई में 13 को 100 से किया तो 1300 प्लस में 25, 13 को अगर 1300 को 12 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आता है 15600, 15600 में 25 प्लस करेंगे 15625 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट 205, तो पहली बार वैल्यू ये वाला नंबर है, तो 20 मल्टीप्लाई में यहाँ पर गैप डालकर लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और बीच में 25 के आफ्टर क्या होता है 21, तो 21 मल्टीप्लाई में 100, यहाँ पर 20 आ जाएगा, 21 को 100 से मल्टीप्लाई किया 2100 प्लस 5 5 25, नेक्स्ट 20 को 2100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 42000 प्लस में 25, इनको अगर प्लस करते हैं तो 42 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगी, और 42025 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में क्या होता है, पाइथागोरस आपको पता है क्या होता है, उसमें होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमने इतना क्वेश्चन डिटेल में नहीं लिखना है, इसमें आपने जस्ट ये लिखना है कि दो जो बड़ी वैल्यू का स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर को प्लस कर देना इक्वल टू में 5 का स्क्वायर, जो बड़ी वैल्यू है उसके स्क्वायर के इक्वल करना है, ठीक है। तो 3 3 9 प्लस 4 4 16, 5 5 25, 16 में अगर 9 प्लस करते हैं तो 16 में 9 प्लस किया तो 25 इक्वल टू 25, ये दोनों इक्वल आ चुके हैं, इट मीन्स ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो लास्ट में आपने ऐसे मेंशन करना है, यस 3 3 4 एंड 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में पहले दो जो छोटे बड़ी वैल्यू उसको हमने इक्वल टू में रखना है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों छोटी हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 6 36, 8 8 64 एंड 10 10 100, 36 और 64 को अगर प्लस करते तो हमारे पास आते हैं 100, तो इक्वल टू 100, दोनों इक्वल थे दूसरे के इक्वल आगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यस। तो लास्ट में आपने ऐसे लिख देना 6 8 10 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, अगर दोनों इक्वल आ चुके हैं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में देखो यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू में 17 का स्क्वायर, 8 8 64, यहाँ पर 5 5 15 15 225, 17 17 होता है 289, अगर आपको नहीं पता तो आपने ऐसे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है, ठीक है। 64 और 225 को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 289, जो के इसके स्क्वायर के इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस। लास्ट में आपने इस तरीके से मेंशन कर देना यस 8 15 एंड 17 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, 13 का स्क्वायर प्लस में 17 का स्क्वायर इक्वल टू में 19 का स्क्वायर, 13 13 जो होता है 169, 17 17 जो होता है 17 17 जो होता है 289, और 19 19 जो होता है 319 19 जो होता है 361, हमारे पास आता है 458,
और हमारा जो 19 का स्क्वायर था वो है 361। तो यहाँ ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। तो यहाँ पर लेंगे नो, तो हम यहाँ पर लास्ट में लेते हैं नो, 13, 17 एंड 19 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, दैट्स इट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट सपोज वन ऑफ द नंबर इज। जैसे हमने पीछे ट्रिपलेट्स किए हैं, तीन तीन नंबर के ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है ना, पाइथागोरियन के। वहां पर हमें, यहाँ पर हमें एक नंबर बता दिया कि दूसरे दो नंबर हमने फाइंड करने हैं कि वो कौन सी होंगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, एक तो होता है पहले हमने एन पता करनी है, तो यहाँ पर 2n, मान लो कि ये 2n क्या है, 8 है, 2n क्या है, 8 है, तो n क्या है, n होगी, एन होगी, तो टू यहाँ पर जो आया मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर होकर डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 2 4 8, तो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। तो एन की वैल्यू 4 आ गई। अब हमने यहाँ पर दो नंबर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला था एन स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर प्लस वन। आपने ये याद रखना, एन स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर माइनस प्लस वन। तो एन क्या है, एन हमारे पास है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस वन, 4 का स्क्वायर प्लस वन, 4 4 16 माइनस वन, 16 प्लस वन, 16 में से 1 माइनस किया 15, और 16 में 1 प्लस किया तो यहां पर आ गया 17। तो वो दो नंबर कौन से, 15 और 17। तो यहां पर हम लास्ट में लिख देंगे सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 8 15। 8 तो एक नंबर था, 8 ये वाले हो गया, 15 हमने ये फाइंड किया और 17, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन है, 8 15 एंड 17। नेक्स्ट है 12। 12 का भी सेम ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ पर 12 को क्या मान लेंगे हम, 2n, 2n हमने मान ली 12, तो n कैसे फाइंड करेंगे, n इक्वल टू 12 अपॉन में 2, ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा, 2 1 2, 2 6 12, तो n की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अभी हमने दो नंबर्स को फाइंड करने, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर प्लस वन। एन क्या है हमारे पास, 6 का स्क्वायर माइनस वन, 6 का स्क्वायर प्लस वन, 6 6 36, 36 माइनस वन, 36 प्लस वन, 36 में 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 35, 36 में 1 प्लस किया तो 37। तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया, हमने ऐसे लिखना है सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, पहला नंबर है 12, सेकेंड नंबर है हमारे पास 35 एंड थर्ड नंबर इज 37। यहाँ पर ये वाला आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 16 है, तो 16 को हम क्या मान लेंगे, 2n, 2n हमारे पास 16 है, तो n क्या आएगी, 16 अपॉन में 2, 2 1 2, 2 8 16, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। तो इसका जो ट्रिपलेट पता करने का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस वन कॉमा एन स्क्वायर प्लस वन। तो n हमारे पास है 8, 8 का स्क्वायर माइनस वन, 8 का स्क्वायर प्लस वन, 8 8 64, 64 माइनस वन, 64 प्लस वन, ठीक है। 64 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 63, और 1 प्लस किया तो 65। तो यहाँ पर कौन से नंबर आ गए, एक नंबर हमारे पास ट्रिपलेट में ये है और दो नंबर ये है। यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 16 63 65 एंड 65, ठीक है। नेक्स्ट है 18। 8 हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में 18 को हम मान लेंगे 2n, तो n कैसे फाइंड करेंगे, n इक्वल टू 18 अपॉन में 2, 2 1 2, 2 9 18, तो 9 हमारे पास n आ गई। अभी फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर माइनस वन n स्क्वायर प्लस वन, 9 का स्क्वायर माइनस वन, 9 का स्क्वायर प्लस वन, 9 9 81, 81 में से 1 माइनस किया, 81 में 1 प्लस कर दिया, 81 में से 1 माइनस किया तो 80, 81 में 1 प्लस किया तो 82। तो यहाँ पर हमारे दो नंबर वो कौन से है, 80 और 82। तो यहाँ पर लास्ट में आपने ये बन लिया सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 18 80 और 82, ठीक है। यहाँ पर हमारे ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, कैसे पता चल गया, जैसे हमने पीछे फाइंड किया, इन दोनों के स्केयर को सम करेंगे और इस दोनों को इसके स्केयर के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ पार्ट कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में 20 है, तो 20 को हम क्या मान लेंगे, 2n, 2n 20 आ गया, तो n कैसे फाइंड करेंगे, 20 अपॉन में 2, तो 2 1 2, 2 10 20, तो 10, n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 1, n स्क्वायर प्लस 1, तो n कितनी है हमारे पास, 10, 10 का स्क्वायर 1, 10 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, स्क्वायर छोटा छोटा लिखना है यहाँ पर, 10 10 100 माइनस 1, 10 10 100 प्लस 1, 100 में से 1 माइनस किए तो हमारे पास आता है 99, 100 में 1 प्लस किया तो 101, ठीक है। लास्ट में आपने ये वर्डिंग लिख देंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 20 99 एंड 101। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर
15 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज। देखो जब भी ऑड नंबर को स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर भी ऑड में होता है। ऑप्शन बी हमारा ऑड, ठीक है, ये वाला सही है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ 600 विल बी। ठीक है, ये हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो, जीरो पता करनी है, अगर 600 को हम स्क्वायर करेंगे तो उसमें कितनी जीरो आएंगी, तो जीरो डबल हो जाएंगी। यहाँ पर टू जीरो है तो टू जीरो कितनी आगे हो जाएंगी, फोर, तो फोर क्या, फोर हमारा डी ऑप्शन है, तो ये वाला सही है। थर्ड पार्ट है द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 52,698 इज। यहाँ पर हमने अगर इसका स्क्वेयर करेंगे तो इसका वंस डिजिट, वंस कौन सा होता है, जो राइट साइड पे पहला नंबर होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ऐसे होता है ना, तो यहाँ पर हमने वंस डिजिट बताना है अगर हम इसको स्क्वेयर करेंगे तो। इसमें हमने सारा स्क्वेयर करने की जरूरत नहीं, लास्ट वाले डिजिट को हमने स्क्वेयर करके देना है। एट एट जर, एट को एट से मल्टीप्लाई करो, एट एट जर 64, तो लास्ट डिजिट हमारा क्या है, फोर, तो यहाँ पर फोर हमारा ऑप्शन बी में है, तो ये बी है। फोर्थ पार्ट है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। तो हमने इन दोनों, इसके स्क्वायर करने के, इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, उन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं, उन दोनों के डिफरेंस के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं वो फाइंड करने हैं। तो इसका हमने जो पीछे किया था, हमने जो भी इसका फॉर्मूला था, तो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर इसको एन मानना है तो टू एन करना था, तो यहाँ पर एन जो छोटी वैल्यू होती है उसको हमने टू से मल्टीप्लाई करना था, तो सिक्स यहाँ पर, सिक्स को टू से मल्टीप्लाई, सिक्स टू जा 12, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा 12 है, ये सही है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, 1, 3, 5, 7 प्लस अप टू एन टर्म इज इक्वल टू। यहाँ पर देखो ये सभी ऑड नंबर दिए गए, हमने किया था ना, जब भी ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर ये फोर नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये फोर का स्क्वायर हो जाएगा, मगर हमें यहाँ पर डॉट लगा दी गई है, डॉट लगाने के, यहाँ पर हमें डॉट लगा दी गई, इट मीन्स एन टर्म है, एन टर्म है, यहाँ पर लास्ट में एन टर्म है, तो एन का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर डॉट नहीं होती, यहाँ पर यहीं तक छोड़ देते तो हम इनको यहाँ पर अगर 7 तक छोड़ देते तो हम कैसे करना था, 1, 2, 3, 4, तो 4 का स्क्वायर कर देना होता था, मगर यहाँ पर डॉट डॉट लगा दिया मतलब आगे भी है, इट मीन्स एन है, तो एन का स्क्वायर, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा एन है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज। अब प्रॉपर स्क्वायर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर स्क्वायर करेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली वैल्यू, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए करा रही हूँ, 2/3, 2/3, 3 बड़ा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इस तरह 5/7, जब भी नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती है तो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब इन्होंने कहा है कि इनका स्क्वायर करेंगे, तो इसको स्क्वायर करके देखते हैं, टू यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2s पर इसका स्क्वायर कैसे होगा, 2 2s 4, 3 3s 9। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले हमारे पास नंबर था 2/3, फिर 4/9, अब इन दोनों में से आप कंपेयर करो, 2/3 और 4/9 में से कौन सा बड़ा है, तो इस इन दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करने के लिए हमें जो नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर इसको 9 कैसे बना सकते हैं, इसको 9 हम बना सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके दे लो, अगर नीचे 3 से करें तो ऊपर भी करेंगे, 2 3 6, 6/9 और यहाँ पर है 4/9, तो इसमें अब इसमें से देखो कौन सा बड़ा है, तो इसमें से 6/9 देखो, नीचे डिनोमिनेटर सेम हो चुके तो ऊपर वाली वैल्यू देखनी, जो बड़ी है वो बड़ा है, तो 6/9 4 से बड़ा है, तो यहाँ पर 6/9, 6/9 हमने किसके लिए यूज किया था, यहाँ पर इसके लिए 2/3, इट मीन्स 2/3 4/9 में से बड़ा है, तो यहाँ पर जब भी स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जब हमने स्क्वायर किया था प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी थी, ये वाली सी, ठीक है, इसको स्क्वायर किया तो 4/9 बना, तो 4/9 क्या है, 2/3 से छोटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लेस देन द फ्रैक्शन। हमेशा जब भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन को स्क्वायर करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो जो भी फ्रैक्शन होगी उससे हमेशा छोटा होगा, लेस देन द फ्रैक्शन, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट नंबर 7, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर 1 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन एक सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जिन्होंने पैटर्न सॉल्व किया था उसमें से करना है, ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप काउंट कर लो कितने 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर हम 6 सीरियल ऑर्डर में काउंटिंग देखेंगे, तो 6 तक काउंटिंग देखो इसमें है और इसमें है, तो यहाँ पर तो है नहीं 6 में, ये तो है ही नहीं हमारे ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद हमने बैक काउंटिंग शुरू करनी थी, यहाँ पर 5 मिसिंग है, इट मीन्स ये नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद बैक काउंटिंग, 5 4 3 2 1, तो सी ऑप्शन हमारा सही है।
नेक्स्ट है वन थ्री, यहाँ पर ऑड नंबर दिए हैं 1, 3, 5, 7, ये सभी ऑड नंबर्स हैं, तो किसके इक्वल होते हैं, इन सभी को काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 के स्क्वायर की इक्वल है, तो 8 का स्क्वायर हमारा ऑप्शन डी है और डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बताना है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड था जिसमें लास्ट डिजिट 2, 3 जहाँ 7 और 8 होते हैं, तो वो अगला कभी भी क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसी तरह जीरो में क्या किया था, नंबर ऑफ जीरो ऑड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3 ये ऑड है, ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, 1, 2, 3, 4 ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसमें दो क्या है इवन जीरो है, ठीक है, यहाँ पर ये सही है, यहाँ पर भी एक जीरो है, ये भी ऑड नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर, नंबर ऑफ जीरो अगर ऑड होती है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो टेंथ पार्ट है हमारा, nth ट्राइंगुलर नंबर इज गिवन बाय, ठीक है, इसमें आपको इसी से रिलेटेड आपको इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज के पहले कुछ भी समझाया नहीं गया, आपने सिर्फ इसमें आंसर इतना ही याद रख लेना है कि इसका आंसर फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसको आगे आपको तो समझने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही आंसर इसका कर लो क्योंकि इसी से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आप इस तरीके से इसका एमसीक्यू ऐसे याद करो। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट होती है, उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ आई होंगे और वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।